तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज जो है ये है संडे और आज मैं संडे का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने बनाई थी इडली। इडली की फुल रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी है क्योंकि मैंने चैनल पे मेरे ऑलरेडी वीडियो है इडली की, बस जस्ट मैंने नाश्ता किया था, बस उसका एक क्लिप सा डाल दिया था ब्लॉग टाइप का, रेसिपी नहीं शेयर करी थी हमने। उसके बाद संडे जो था वो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत बहुत ज़्यादा बिजी था। इस दिन हमने एक पहली बात तो नाश्ता वास्ता करने के बाद हमने एक मेरा जो है ये दरी है, गलीचा है, आप लोग क्या बोलते हो इसको, जो भी बोलते हो, पर हमारे लिए तो ये बिछावन सा है, तो इसकी सफाई करी थी हमने। और ए राम, इतना मेहनत लगा इसकी सफाई में, इतना मतलब मैं 2.5 से 3 घंटे लग गए थे मुझे इसको साफ़ करने में। साफ़ करने के बाद फिर इसको अच्छे से मतलब धुलने में, क्योंकि जो सर्फ़ होता है वो अच्छे से निकलना भी तो चाहिए, और वो इतना भारी था कि मेरे से साफ़ करना और इसको उठा के रखना थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने इसके क्लिप आपको दिखा दिए कि देख लो हम कितनी मेहनत करते हैं, पर लोगों को ये लगता है कि हम मेहनत नहीं करते, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सच्ची बताऊँ आपको। और ये ब्रश से रगड़ रगड़ के, मुझे ब्रश से जो है वो रगड़ने की आदत नहीं है कपड़ों को, मैं ऐसे हाथ से ही साफ़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही साफ़ हो जाए, लेकिन इस ब्रश को देखो मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही हूँ, मेरे दोनों हाथों में, दोनों हाथ की उंगलियों में मेरे छाले से पड़ गए थे और छाले फूट भी गए थे इस गलीचे को मतलब इस गलीचे की सफाई करते करते ही। और रियली मैं बहुत बिजी दिन था, मतलब इतना मेहनत करी हमने, इतना मेहनत करी कि मैं मतलब ये समझ लो कि जब सारा काम करके मैं फुर्सत पाई तो ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं बीमार सी हो गई हूँ। और इस पे ना थोड़ी सी दाग सी पड़ गई थी। इसको साफ़ करने का आइडिया मुझे कैसे आया मैं ये भी बताती हूँ। इसको साफ़ करने का आइडिया मतलब मुझे ये आया कि पहले तो वैसे भी हमारे पास, हम नॉर्मल से लोअर से नॉर्मल हैं अपने हिसाब में, तो हमारे पास ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं हैं, तो जस्ट हम लोग बेड पे ही खाना पीना खा लेते हैं, तो थोड़ा सा बिस्तर ऊपर करके फिर खाना वाना खा के फिर बिस्तर लगा देते हैं, तो पानी वानी गिरा देते हैं बच्चे, या कभी वैसे भी पानी वानी गिरा देते हैं, तो ये बिस्तर ना जगह जगह से ख़राब हो गया था। और उसके बाद 2-3 दिन पहले मेरे बाबू ने उल्टी कर दी थी, तो पूरा बिस्तर ख़राब हो गया था और इतनी बैड स्मेल आ रही थी, इतनी बैड स्मेल कि क्या बताऊँ मैं। तो बस जस्ट ये लगा कि अभी सर्दियां भी आने वाली हैं, उसके पहले इसको मैं धुल लेती हूँ। वैसे मैं वैसे भी धुलती हूँ, कब धुला था मैंने, जून के आसपास धुला था, इसके डैडी जब आए थे तब मैंने धुला था, लेकिन तब भी मैंने सोचा कर लो। और देखो मैं कितनी मेहनत लगा रही हूँ उसके पीछे, कोई समझेगा नहीं ना हमारी मेहनत, बस मुझे याद है कि मैंने कितना मेहनत किया था। और बहुत बड़ी वीडियो थी ये, तो 1-1.5 घंटे की हो गई थी, बस मैंने क्लिप जो है ये फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ कुछ क्लिप ली है और थोड़ा बहुत रहने दी है कि आप लोग देख लो मैं कितनी मेहनत करती हूँ। और उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं ये आके शैतानी कर रहे थे अपनी, ऐसे करामाते हम भी अपने बचपन में किया करते थे, जब जैसे मम्मी कुछ काम करती थी तो हम भी वहाँ पे अपनी कलाकारियाँ दिखाना शुरू कर देते थे, तो जस्ट वही हमारे बच्चे भी कर रहे थे। और याद आ जाता ना कभी कभी अपना बचपन याद आ जाता, मुझे भी याद आ जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों को यही नहलाती हूँ। और रियली मैं बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे नहा के, और मुझे भी ऐसा लगता था ऐसे मतलब याद हो, आप लोगों को पता नहीं, जैसे जो हमारे जब कपड़े पुराने हो जाते थे तो हमारी मम्मी लोग क्या है उसको तकिया में भर देती थी, तो जब वो तकिया कभी खोलती थी ना साफ़ करने के लिए, तो हम लोग उस तकिया से निकाल के वो पुराना वाला कपड़ा पहनते थे, और इतनी खुशी मिलती थी कि ऐसा लगता था कि नए कपड़े की खुशी सी आ रही है। तो बस वही मैं थोड़ा सा मतलब मुझे याद आ रहा था, तो बस जस्ट मैंने बच्चों को नहला दिया था यहाँ, और बच्चे बहुत खुश थे यहाँ बाहर नहा के। और उसके बाद ये जो हमारा मतलब बिछावन था, गलीचा था, इसको हम जो है ये पहले तो पानी से धुल चुके थे हम, जितना हो सकता था हमने नीचे इसको वॉश कर लिया था, और फिर मैंने डेटॉल का पानी डाल के लास्ट में इसको मैं धुल रही हूँ। और चेयर पे मैंने रख दिया है इसको कि मतलब कोई धूल वूल ना जमे और रेत वगैरह कुछ ना लगे, वैसे तो कुछ नहीं थी, मैंने अच्छे से साफ़ किया था, तो फिर तब भी ऐसा लगा कि कुछ ना हो। और यहाँ पे सब कुछ काम करने के बाद, मतलब नहलाने धुलाने के बाद, खुद भी नहाने के बाद, मैं आ गई थी अपने किचन में। किचन में मेरे बच्चों का मन था पूड़ी खाने का, तो मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बनाई हुई थी, पूड़ी सब्ज़ी और रायता, तो बस मैं यहाँ पे पूड़ी निकालने वाली थी। और तेल मैंने बहुत थोड़ा सा लिया हुआ था, इतना ही तेल लिया था जितने में हमारी पूड़ियाँ अच्छे से निकल जाएँ, तो बस मैं पूड़ी बना लूँगी। और ये जो दो मैंने डाली थी, तो ये हमारे डालते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं, हमें भी नहीं पता, पर
जैसे रोटियां बनाने के पहले भी एक दो डाल देते हैं, पूड़ियां बनाने के भी पहले, पता नहीं तेल का मतलब ताप जो है उसको चेक करते हैं क्या है, नहीं पता। और ऐसे ऐसे करके मैं बस 4-6-10 पूड़ियां बनानी थी, बना लूँगी और खा लूँगी पूड़ियां। तो पूड़ियां जो हैं, पूड़ी पराठा हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और संडे भी था तो थोड़ा बहुत होना भी था। वैसे सच्ची बताऊँ तो इतना मेहनत करने के बाद ये मन नहीं था कि खाना बनाऊँ, पर क्या करूँ, अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, तो बनाना तो पड़ेगा ही। और अभी लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन नहीं है, थोड़ा ये सीजन भी ठीक नहीं चल रहा है तो कि बाहर से खाना ऑर्डर वगैरह कर दें, तो बस काम तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ पे धुल रहे थे बर्तन, यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, हमने चाय वाय पी ली थी और बस चाय का बर्तन जो है वही हम धुल रहे थे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब, कैसा रहा आपका संडे बताइएगा जरूर। और संडे का पूरा दिन तो निकल गया, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। और संडे वैसे तो हमारा जो है वो सुपर फंडे होता है, पर आज जो है वो बहुत बिजी डे रहा। आज हमारा फंडे तो रहा बट बिजी डे ज्यादा रहा आज, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। पर आज हमने बहुत मेहनत करी, और देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा, ये ना कैसे दिखाऊं, इसमें ना छाले पड़ गए थे और छाला ना ये फट गया, दिख रहा है, और उसी में नहीं, दो में हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये फाइनली हमारा जो ये हमने धुला था ना, ये भी हमारा सूख गया, थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं सा है इसमें, पर कोई नहीं, कल इसको और धूप दिखा देंगे, सूख जाएगा ये, लेकिन सूख गया क्योंकि धूप बहुत तेज थी आज, पता है। थोड़ा मौसम तो ठंडा हो गया पर धूप बहुत ज़्यादा थी आज और सूख गया है। तो कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं गया आज हमारा संडे, बस जो भी किया दिन भर वो तो मैंने दिखाया ही आपको कि अभी तक मैंने क्या किया। पर मैं इतनी बिजी रही आज पूरे दिन कि मैंने ना देखो बालों में कंघी भी अभी थोड़ी देर पहले करी, और बाल ना कंघी करने के धुलने के बाद अगर कंघी कर लो फिर ठीक है। देखो कैसे रंग क्या लग रहे हैं, ये बाल जैसे लग रहे हैं ना बेकार हो गए, घोंसला होते हैं ना वो चिड़िया का, वैसे लग रहा है। करूंगी इसमें भी मास्क मुस्क कुछ ट्राई करूंगी अभी। और मेरे नाक पे ना जी कोई बताना अगर प्लीज प्लीज प्लीज, अगर किसी को पता होगा ना कि ये नाक पे क्या लगाऊं कि क्या ठीक हो जाए तो प्लीज बताना। वैसे मैं ना यूट्यूब पे ट्राई कर रही हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल गया, अभी इतना नहीं जब से चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ का पानी ठीक नहीं है, एक तो बालों के लिए नहीं ठीक है, पूरे बाल टूट जा रहे हैं, और दूसरा मेरे चेहरे की ना बैंड सी बच गई इधर, जब मैं आई थी चंडीगढ़ उसके बाद ही शायद बाबू पेट में था इसलिए पता नहीं ये शुरू हुआ, और इसकी वजह से तो चेहरा ही बेकार लग रहा है। वैसे भी पहले कौन सा बड़ा अच्छा था, पर इसकी वजह से एकदम से बेकार हो गया। तो फिर और दिन में मैंने बनाया था, क्या मैंने दिखाई था, तो दिन में जो सब्जी बनाई थी वो सब्जी रखी हुई है अभी, और उस सब्जी के साथ चावल बहुत यम्मी लगता है, तो मैं अब बनाऊंगी चावल। मैंने किचन का सारा कुछ काम कर लिया, मतलब चाय चुई के लिए किचन भी साफ कर लिया मैंने, अभी मुझे कुछ नहीं करना, बस जस्ट मुझे चावल धुल के डाल देना है, एक सीटी आ जाएगी, चावल बंद कर देना और खा लेना है। तो मेरा जो किचन का काम है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या करूँगी, थोड़ा सा भूमि का होमवर्क आया होगा कुछ स्कूल से, उसको देखती हूँ क्या करना है नहीं करना है, बाकी लगभग सारा काम हमारा हो गया। तो फिर ब्लॉग को मैंने, मतलब मुझे एंड करना था, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मतलब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो चलो अगर इसके लिए किसी को कुछ पता हो कोई क्रीम वगैरह तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर प्लीज़, और जिससे ये थोड़ा सा कम हो जाए मेरा, ठीक ठीक बताइएगा। और बाकी आज का दिन हमारा ऐसे ही रहा, बहुत बिजी था आज का शेड्यूल, पर ठीक था जो भी था, है ना, अपने घर का काम किया मैंने। और अभी सफाई अभियान जो है वो चालू हो चुका है हमारे घर का, तो 2 अक्टूबर से ही चालू हुआ है, उस दिन हमने डिब्बे साफ करे थे, दाल वाल धूप में दिखाई थी, अभी और भी हैं चीज़ें जो हमें करनी है, जैसे जैसे करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी।
और अब देखो ये अभियान कहाँ तक जाता है, दीपावली तक तो जाएगा ही जाएगा सफाई अभियान, आगे भी देखो क्या होता है, पर जो भी है जैसा भी है अच्छा है ना, अपना है। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।